आज हम बनाएंगे खुरमा मिठाई। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। खुरमा बनाने के लिए हम जो है मैदा लिए हैं और ये शक्कर। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इस कटोरे में हम जो है मैदे को डाल देते हैं और इसमें हम जो है कुछ मिलावट नहीं करेंगे ज़्यादा। थोड़ा से हम 1 चम्मच घी डाल दिए हैं और थोड़ा से इसमें हम खाने वाला सोडा यूज करेंगे। इससे क्या है बढ़िया पूरा पूरा बढ़िया तिरपसीदार आपका खुरमा जो है वो तैयार होगा। अब इसको हम पानी से थोड़ा थोड़ा करके मिक्स, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पहले घी को हम मिक्स कर लेते हैं बराबर में। स्वादिष्ट लगता है और अच्छा भी बनता है। हम इसको जो है अब इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी को ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे, आटे की तरह सानेंगे इसको। इस तरीके से इसको हम टाइट सानते हुए चलेंगे। इसमें हमें जितने पानी की आवश्यकता होगी थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें हम मिलाएंगे। इस तरीके से आप इसको बनाते हुए चलें। अब हमारा जो है मीडियम में तैयार हो गया है। अब इसको हम ढक के रख देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये हमारा ताकि इसमें बढ़िया से ये फूल सके। इसको हम रख देते हैं, तब तक हम चाशनी बनाएंगे इसके लिए। अब चाशनी बनाने के लिए भगोनी ले लिए हैं। अब भगोनी में हम जो है शक्कर डालेंगे। इसके लिए हमको चाशनी जो है टाइट बनाना है। इसमें पानी हम थोड़ा से ही डालेंगे, जितना शक्कर लिए थे उससे थोड़ा से ही पानी डालना है, ज़्यादा बराबर मात्रा में नहीं डालेंगे। चाशनी के लिए अपने को गाढ़ी बनाना है, ताकि अपना खुरमा में बढ़िया से चाशनी जो है वो पकड़ सके, टाइट रहेगी तो। और इसको अब हम गैस चालू करते हैं। अब इसको हम धीरे धीरे छोटे चम्मच से ऐसे चलाते रहेंगे, ताकि ये अपना नीचे शक्कर बैठे ना, और इसको हम गाढ़ा होने तक बनाएंगे। जब तक हमारा चाशनी बनता है तब तक हम इधर जो है अपने आटे को देख लेते हैं। 5 से 7 मिनट हो भी गए हैं, ये देखिए बढ़िया से इसमें फूला फूला सा नजर आने लगा है। इसको और इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। जितना अच्छा इसको मिक्स करेंगे बनाएंगे बढ़िया मुलायम, उतना अच्छा आपका खुरमा जो है वो तैयार होगा। अब इस तरीके से हम इसको बढ़िया से मिक्स कर लिए हैं। अब इसका हम इस तरीके से आप मल पी सकते हैं। अब इसका हम लोई काटेंगे, बेलन को इस तरीके से हम करके रख लेते हैं। अब इसको हम चकले बेलने पे बेलन करेंगे। अब इसको हम बेलन करने के लिए बढ़िया गोल गोल लोई बना देते हैं। इस तरीके से हम जो है इसको हम थोड़ा मोटा ही बेलेंगे, बहुत पतला बारीक रोटी की तरह नहीं करेंगे इसको, मोटा हम बेलेंगे। इसको बेलने के लिए हमने घी लगा लिया है। इससे क्या है तो बढ़िया से ये बेल सकते हैं। इस तरीके से आप इसको बढ़िया बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से गोल लिए हैं। अब इसको हम जो है कटिंग करेंगे। इस तरीके से इसको हम कटिंग कर देंगे। इस तरीके से मैं कटिंग कर लिया हूँ। अब इसको एक प्लेट में रख लेते हैं सभी को। मैंने दूसरा को बड़ी लोई बना लिया है, आप भी छोटी बड़ी अपने हिसाब से बना लेते हैं। इसको इस बराबर बेलन से बेल देंगे। ये दूसरे वाले को भी मैं देखो ये बढ़िया मस्त ये गोल कर के बेल लिया हूँ। अब इसको जो है इसको भी हम कटिंग करेंगे। आप अपने हिसाब से कटिंग अपनी डिजाइन दे सकते हैं, मैं अपना डिजाइन से इसको
कटिंग कर देता हूँ इस तरीके से। को भी हम एक प्लेट में जो है वो रख लेते हैं इस तरीके से। तरीके से रख लिया हूँ। अब इसको हम तेल में तलने की तैयारी करेंगे। तब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है, तब तक हम इसको तेल में तल लेते हैं। अभी आप देखें बढ़िया गाढ़ी चाशनी जो है इसके लिए तैयार हो चुकी है। अब इसको हम गैस बंद करके रख देते हैं। अभी एक पैन ले लिए हैं। अब इसमें हम जो है ऑयल गर्म करेंगे। आप जो भी ऑयल खाते हो आप यूज कर सकते हैं। अब इसको तेल गर्म होने के बाद हम इसमें अपने खुरमे को तलेंगे। अब हमारा ऑयल जो है वो मीडियम गर्म हो चुका है, तो इसमें हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। इसको मीडियम में हम तलेंगे। मैं इसमें सभी को डाल दिया हूँ। इसको अब जो है हम लाल होने तक तलेंगे। अभी लाल भी पकड़ने लगा है, इसको हम इस तरीके से एक एक करके पलट कर देंगे जो लाल होते जाएंगे, ताकि दोनों साइड से बराबर अपना ये उन्हें से पक सके। अभी ये हमारा सब पक चुका है, इसको हम एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। इस तरीके से एक प्लेट में सभी को रख लेंगे। मैं चाशनी को फिर रख लिया हूँ गैस पे हल्का गर्म होने पे। हल्का गर्म हो चुका है, पहले से भी गर्म था। इसको हम इसमें मिक्स करेंगे और इसको हम इसी में अच्छे से पकाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा सीढ़ा अंदर तक बढ़िया घुस के इसमें टाइट जो है वो पकड़ के बढ़िया खुरमा अपना वो तैयार होगा। इस तरीके से इसको हम इसी में पकने देते हैं। आपको इसी तरीके से इसको पकाना, जब तक चाशनी सूख के इस पर चढ़ने लगे। इस पर चाशनी जब सूख के चढ़ जाएगी तब आपको जो है इसमें से निकाल लेना है। अभी देखेंगे आप जो है चाशनी जो है इसके ऊपर चढ़ने लगी है, क्योंकि चाशनी अपनी मोटी है तो इसके ऊपर चाशनी जो है वो चढ़ रही है और अंदर भी खुरमे के अंदर जा रही है। इससे बढ़िया खुरमा आपका तैयार हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। अभी आप देखेंगे कितना अच्छा से अपना ये तैयार होगा। थोड़ा से और इसको ज़्यादा से ज़्यादा चाशनी को चढ़ने देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खुरमा अपना तैयार हो सके। अभी इस पर अपना चाशनी जो है खूब अच्छे से इस पे आ चुका है, तो इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पे। इस तरीके से हम जो है एक प्लेट में तो निकाल लेते हैं। इस तरीके से आपका जो है खुरमा बड़ा बेहतरीन जो है वो तैयार हो चुका है। इस तरीके से हम जो है सभी को निकाल के रख लेंगे। अभी आप देख रहे हैं आपका खुरमा जो है ये कितना बढ़िया से मस्त तैयार हो चुका है। ये सूखेगा तो बढ़िया कलर अपना आप शक्कर का देगा और अच्छा भी लगेगा। तो थैंक यू।